सात दिन लगकर रामगंज थाना को चोरी की वारदात दर्ज करने में पीड़ित पक्ष काटता रहा पुलिस थाने के चक्कर। लाखों का माल समेट कर ले गए अज्ञात चोर। अजमेर रामगंज थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर के सामने सात दिन पहले चोरों ने मकान में लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने मकान से सोने की जेवरात सहित 1,00,000 रुपए नगद की माल पर हाथ साफ किया है। चोरी की वारदात के बाद पीड़ित पक्ष रामगंज थाना पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि रामगंज थाना पुलिस के अधिकारी उन्हें आए दिन कोई न कोई बहाना बनाकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करते थे। अब रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सातवें दिन में पुलिस ने मकान का मौका मुआयना किया। सर 15 तारीख को मेरे यहाँ पे घर पे ताले तोड़ के चोरों ने चोरी कर ली। मैं सुबह अपने जॉब करती हूँ, तो मैं अपनी सुबह अपनी ड्यूटी पे चली गई थी। मेरे पास मेरे फादर रहते हैं, मेरे फादर मार्केट किसी काम से बाहर चले गए थे 11 बजे करीब, और मेरे बच्चे दोनों सुबह 7:30-8 बजे स्कूल चले गए थे, ठीक है ना। उसके बाद में 11 से 1 के बीच में घर बिल्कुल सूना पड़ा था। चोरों ने आराम से ताले तोड़े मकान के और मेरे अंदर सारा सामान बिखेर दिया। क्या क्या ले गए? मेरे हाथों के पोंछे, कान के 2 जोड़ी इयररिंग्स, कान की चेने और गले का हार, और बच्चों की छोटी छोटी कान की बालियां, चांदी के पायजब और 1,00,000 रुपए कैश पड़े थे। वो सब चोर माल समेट के ले गए। फिर 1 बजे बच्चे जब स्कूल से आए ना, तब उन्होंने ताला टूटा हुआ देखकर मुझे पड़ोसी के फ़ोन से फ़ोन करा कि मम्मी अपने यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया, तो आप जल्दी आओ। मैं भागी भागी वहाँ ड्यूटी से 1 बजे करीब यहाँ पे आई, और आके मैंने अंदर सारा सामान बिखरा हुआ देखा। फिर हाथों हाथ मैंने वहाँ रामगंज थाने के अंदर जा कर के और अपनी एप्लीकेशन लिख के दी 15 तारीख को ही। जी पर आज क्यों आए ये लोग इतने दिन बाद में? जी बताइए। हाँ फिर सर उन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करी थी ना मेरी। मैं 5-7 दिन से मेरे पापा और मैं डेली वहाँ जा रहे हैं कि भाई हमारी ऑनलाइन करो, आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन करो, तो वो कभी कहते सीआई साहब नहीं है, कभी कहते एसआई साहब नहीं है। फिर कल शाम को ज़बरदस्ती मेरे पापा बुजुर्ग आदमी है, कम से कम 62-63 साल के, और वो सुबह से शाम तक वहाँ चक्कर काट रहे थे, तब जाके शाम को उन्होंने मेरी एफ आई आर ऑनलाइन करी। फिर उसके बाद में अब आ जाए हैं यहाँ पे। ठीक, कहाँ पे मकान आपका? ट्रांसपोर्ट नगर के सामने बाबा बादाम शाह रोड। और कौन से थाने में आपने कंप्लेंट करी? रामगंज थाने में। ठीक है, आपका नाम? सविता सोनी। पति का नाम? निखिल सोनी।